नमस्कार। आज के इस वीडियो में मदरबोर्ड में लगने वाला एक महत्वपूर्ण डिवाइस जिसको कि हम रैम कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। ये रैम होती क्या है, कंप्यूटर में इसका क्या उपयोग है, प्लस ये भी जानेंगे कि ये कितने प्रकार की होती है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने तीन तरह की रैम रखी हुई है। एक्चुअली रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जैसा नाम से ही पता चल रहा है एक तरह की रीड राइट मेमोरी होती है। इसमें डेटा स्टोर होता है टेम्परेरी रूप से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये एक चिप की तरह आपको दिखाई दे रही है, तो ये कंप्यूटर में अलग से लगाई जाती है, तो इसे निकाला और लगाया भी जा सकता है। सेकेंड थिंग, ये एक मेमोरी होती है जो कंप्यूटर को स्टोरेज प्रोवाइड करवाती है। जैसा कि आपने मदरबोर्ड में देखा था कि डेटा सीपीयू से निकलने के बाद नॉर्थ ब्रिज में जाता है, नॉर्थ ब्रिज के बाद रैम में जाता है और रैम में स्टोर रहता है और रैम से ही डेटा का ट्रांसमिशन इधर उधर होता है। उसी तरह से जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में सीडी ड्राइव इंस्टॉल करते हैं, सीडी लगाते हैं और सीडी का डिस्प्ले आपके कंप्यूटर में दिखाई देता है, सीडी के अंदर के कंटेंट सारे आपको दिखाई देते हैं। एक्चुअली आपने सीडी को कॉपी तो आपके कंप्यूटर में नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको सीडी की सारी चीजें दिखाई देती है, तो आखिर ये डेटा कहाँ स्टोर होता है? तो आपका आंसर ये है कि वो डेटा, जो भी डेटा आप कंप्यूटर में, जैसे पेन ड्राइव है या सीडी ड्राइव है, कोई भी डेटा, एक्सटर्नल डेटा आप कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, तो सारा का सारा डेटा आपकी रैम में स्टोर होता है। तो रैम का बेसिकली आपके सिस्टम में यूज यही होता है कि ये एक मेमोरी होती है जो कि केवल वोल्टेज पे ही वर्क करती है। इसके अंदर डेटा टेम्परेरी रूप से स्टोर होता है और जैसे ही आपकी मदरबोर्ड में पावर जाता है इसके अंदर का डेटा भी लॉस हो जाता है। तो इसीलिए बिना रैम के आप कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं देख सकते किसी भी प्रकार का, क्योंकि डिस्प्ले तभी आएगा जब आपका डेटा कंप्यूटर में स्टोर होगा कहीं पर मदरबोर्ड में। तो ये डिवाइस है जो रैम, यही रिस्पॉन्सिबल है कंप्यूटर में डिस्प्ले लाने के लिए, किसी भी डेटा को टेम्परेरी रूप से स्टोर करने के लिए। सर, क्या इसे प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं क्या? जी हाँ, मेमोरी जैसा कि आपने देखा है मेन मेमोरी टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो रैम और रोम, रैम जो है रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ऑनली मेमोरी होती है, ये दोनों ही प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है और प्राइमरी मेमोरी होने के कारण इसे कंप्यूटर में लगाना बहुत ही जरूरी है। सेकेंडरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर चल सकता है? जैसे कि आपको मालूम है कि सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी ड्राइव, ये सारी चीजें आती हैं। अगर आप वो अपने कंप्यूटर में नहीं लगाएंगे तो चल जाएगा आपके कंप्यूटर पर, प्राइमरी मेमोरी में से रैम या रोम में से किसी के भी ना होने पर कंप्यूटर रन नहीं हो सकता। तो जैसा कि आपके सामने रैम्स अवेलेबल है, इन रैम्स के आइडेंटिफाई करने के लिए क्या प्रोसेस होती है, कैसे आप दिखने में, तो आप देख सकते हैं कि केवल ये रैम दिखने में थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये जो सेकंड नंबर पे रैम रखी हुई है आपकी और जो फर्स्ट नंबर पे रखी है, ये दिखने में काफी सेम है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि रैम कौन सी है और हमारी मदरबोर्ड में किस रैम को लगाना है? तो आइए हम जानते हैं कि इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन कैसे पता करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी सबसे नीचे जो रैम रखी हुई है, इस रैम को हम एसडी रैम बोलते हैं। एसडी रैम, ये एसडी रैम जो है ये P3 प्रोसेसर्स में के साथ लगती थी जो कि काफी पुराने थे, 92, 94, 91 में इन प्रोसेसर्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, इन रैम्स का भी बहुत ज्यादा यूज होता था। आज ये रैम्स तो मिलना बहुत मुश्किल है। तो आप देख सकते हैं कि इस ये जो एसडी रैम है, इस एसडी रैम में आपको दो कट्स दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फर्स्ट कट और सेकंड कट दिखाई देगा। फर्स्ट कट काफी जल्दी है और उसके फर्स्ट कट के पहले जो आपको कुछ चमकती हुई सी लकीरें दिखाई दे रही है, ये पिन्स है, कॉपर की ये सारी पिन्स है। इन पिनों की संख्या 10 है, 10 पिन के बाद एक कट है, उसके बाद आपका सेकंड कट आप देख सकते हैं। तो इसकी पहचान यही है कि आपको कोई भी रैम अगर इस तरह की दिखाई दे जिसमें 10 पिन के बाद एक कट है, तो वो एसडी रैम होगी। ओके, 10 पिन के बाद यदि ये कट मिलता है तो वो एसडी रैम क्या? जी हाँ, 10 पिन के बाद एक कट और ठीक उसके बाद एक दूसरा कट सेंटर में होगा रैम के, बिल्कुल सेंटर में, तो वो रैम एसडी रैम होगी आपकी। P3 प्रोसेसर के साथ ये रैम लगाई जाती है। उसके बाद आप उसके ऊपर एक और रैम देख रहे हैं जो कि DDR1 रैम होती है।
DDR1 रैम, P3 के बाद P4 प्रोसेसर्स में यूज हुई। आप ध्यान से देख सकते हैं इस रैम की कॉन्फ़िगरेशन में काफी सारी पिंस आपको दिखाई दे रही है और सेंटर में एक कट है, लेकिन एक्चुअली ये सेंटर नहीं है रैम का। और एक चीज और आप देख सकते हैं, एक बात और है कि DDR2 और DDR1 रैम बिल्कुल एक जैसी दिखाई दे रही है। अगर इन रैम को मिला दिया जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए इन रैम्स के मैंने नॉच मिला दिए, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं रैम में डिफरेंस क्या है। ये जो आप डिफरेंस देख रहे हैं, ये एक कॉमन सा डिफरेंस है, काफी इजी वे पे आप इस तरह रैम को पहचान सकते हैं। कट का, इनके बीच में जो कट का डिफरेंस है सर? जी हाँ, इनके बीच में जो कट का डिफरेंस है उसकी वजह से हम इसे पहचान सकते हैं। वास्तव में सर ये DDR1 DDR2 होता क्या है? देखिए जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, तो सबसे पहले आपकी ईडीओ रैम आई, एक्सटेंडेड डेटा आउट रैंडम एक्सेस मेमोरी, और उस तरह से रैम्स में अपडेट किए जाते रहे। पहले रैम्स 5 वोल्ट पे ऑपरेट होती थी, फिर उनका वोल्टेज कम किया गया, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई गई। इस तरह से रैम्स का एक हिस्ट्री है, काफी सारा इतिहास है। जैसे प्रोसेसर आप देख सकते हैं मार्केट में, P3 P4 ड्यूल कोर कोर टू ड्यूल i3 i5 ये सारे प्रोसेसर अवेलेबल है। उसी तरह से रैम भी है, रैम भी अपडेट होती रही है और इसी वजह से अलग अलग टाइप्स की रैम होती है। और तो ये हमने देखा कि अलग अलग प्रकार की रैम हमने डिस्प्ले के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी। सर इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली ये DDR1 DDR2 ये तो आपने टाइप्स ऑफ रैम बताए हैं, लेकिन इसके अलावा स्पेस के हिसाब से भी अलग अलग प्रकार की रैम आती है, 1GB रैम, 2GB रैम, ये क्या चीज होती है? हाँ देखिए, रैम्स जो है ये एक मेमोरी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इसमें डेटा जो है वो स्टोर होता है। जितनी ज्यादा कैपेसिटी, जैसे 120 MB रैम आती है, 32 MB रैम भी आती है। पहले जो स्टार्टिंग हुई थी रैम्स की, वो KB में हुई थी, किलोबाइट्स में रैम आती थी। किलोबाइट के बाद रैम में कैपेसिटी बढ़ाई गई, उसके बाद MB में आने लगी, और आज के समय में आप GB में रैम देख सकते हैं, 2GB 4GB की रैम अवेलेबल है मार्केट में। तो क्या ये रैम वजह से कंप्यूटर के या प्रोसेसर के परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है क्या? जी हाँ, देखिए जितना ज्यादा मेमोरी आप यूज करेंगे, उतना ज्यादा आपका डेटा आपके कंप्यूटर में टेम्परेरी रूप से स्टोर रह पाएगा और प्रोसेसर में वर्किंग जो है उतनी ज्यादा फास्ट हो पाएगी। इसी वजह से रैम से कंप्यूटर की स्पीड में काफी फर्क पड़ता है। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, अलग अलग प्रकार की रैम और उनका क्या कंप्यूटर में क्या उपयोग है, इसकी हमने जानकारी हासिल की। और भी मदरबोर्ड में और भी कुछ डिवाइसेस होते हैं, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। इसके अलावा कैबिनेट में भी और अलग अलग डिवाइसेस हैं, उनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। हमारे वीडियोस देखते रहें, निश्चित ही आपको इसमें बहुत कुछ जानकारी मिलेगी और आप ये प्रैक्टिकल करने के लिए सक्षम भी हो पाएंगे। धन्यवाद।